हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हम निशान चाहर तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन की डिपेंडेंसी है, तो दोनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वो करने के बाद हम करेंगे रोटेट बाय 90 डिग्रीज। तो ये दोनों क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने लास्ट वाली सीरीज, मतलब जब सीरीज स्टार्ट करी मैट्रिक्स वाली, लास्ट वाले में हमने ये सीख लिया था कि ट्रैवर्स वगैरह कैसे करना होता है 2D मैट्रिक्स में। एंड ये वाली चीज़ आई थिंक तुम्हें समझ आ गई होगी, बाउंड्स वगैरह कैसे चेक करने होते हैं कि लेफ्ट से बाहर नहीं जा रहा, राइट से बाहर नहीं जा रहा, अप से नहीं जा रहा, डाउन से नहीं जा रहा। इसमें कुछ खास नहीं करने वाले, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर। तुम्हें याद होगा, मतलब जितने भी यहाँ पे लोग हैं ज़्यादातर के पास मैथ्स होगी 11th 12th में। ठीक है, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, सीख ही लेंगे। तो उसमें क्या होता था यार, मैथ्स में हमारे पास एक क्वेश्चन हमेशा होता था कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज एग्जैक्टली होता क्या है? इसका ट्रांसपोज ये होता है कि यार स्वैप कर दो। ठीक है, इन दोनों को स्वैप कर दो, इन दोनों को स्वैप कर दो, इन दोनों को स्वैप कर दो। ठीक है, जो हमारा डायगनल रहता है हमेशा, दिस इज ऑलवेज सेम। अब ऐसा क्यों है, इसका मतलब एग्जैक्टली अगर तुम कोड वाले भाषा में लिखो या मैथ्स में लिखो तो क्या होगा कि हमारा मैट्रिक्स है, इसमें i, j जो भी गिवन है ना, उसको तुम j, i बना दो, ये मतलब है। तो ये जो बीच वाली है सेम क्यों रहती है, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे क्या आ रहा है एग्जैक्टली 0, 0, 1, 1, 2, 2। तो अगर तुम 0, 0 और 0 को फिर से करोगे तो वो सेम ही रहेगा, इसलिए जो बीच वाली रो रहती है, मतलब ये जो डायगनल रहता है, रो नहीं डायगनल जो रहता है, वो हमेशा सेम ही रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं आता है। तो हमें ये ट्रांसपोज करना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा है, कुछ ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं करना। तो हमने अगर देखा कि i इज इक्वल्स टू 0 है, ये हमारी रो है ना, तो हमें पहले इस रो को करना है, फिर इस रो को करना है, फिर इस रो को करना है। i इज इक्वल्स टू 0 में गए हम, 0 में हमने देखा यहाँ पे कॉलम में कि यार इसको तुम ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, इसको ट्रांसपोज करोगे तो अपने आप अपनी जगह पे ही रह जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है, हमें क्या करना है एग्जैक्टली, हमें ना जो ये ट्राइंगल है ये वाला, इसको उठा के इस वाले ट्रायंगल के साथ रिप्लेस कर देना है। देखोगे तुम, अगर ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसको ऊपर वाले के साथ ऐसे बस रिप्लेस कर देना है, तो हमें दोनों में ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम दोनों में जाके स्वाप करते रहोगे तो जाके तुम्हें ओरिजिनली मिल जाएगा। कैसे? अब तुमने गए, तुमने बोला कि चलो 1, 2, ये 1, 5, 9 तो ऐसे कैसे हैं, मैंने एक बार स्वाप किया 4 और 2 को, यहाँ पे 4, हमारे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 3 और 7 को कर दिया तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे हमारा 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, जब हमने यहाँ से करा स्वैप तो ये पहुँच गया, फिर वापस स्वैप करने लगे तो इसको एक बार ये और स्वैप कर देंगे गलती से हम, तो हमारा ही आ जाएगा फिर से। ठीक है, करके दिखा देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम देखो, हम गए 0th इंडेक्स पे, गए स्वैप कर दिया, फिर हम 2 पे अपने 1 इंडेक्स पे गए, 1 पे स्वैप करा तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। फिर हम 1 के बाद 2 पे गए, 2 पे गए तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, i इक्वल्स टू 0 पे गए तो अब इसमें j में पूरे में ट्रैवर्स करेंगे, j इक्वल्स टू 0 पे जाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर j इक्वल्स टू 1 पे जाएंगे तो ये दोनों स्वाप हो जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर j इक्वल्स टू 2 पे जाएंगे तो फिर हमारे ये दोनों स्वाप हो जाएंगे, हमारे पास ये मिल जाएगा। फिर i इक्वल्स टू 1 बढ़ा देंगे, j इक्वल्स टू 0 पे फिर से जाएंगे, यहाँ पे फिर से इसको स्वाप कर देंगे तो ये स्वाप होके फिर से ये आ जाएगा, राइट। फिर j इक्वल्स टू 1 पे जाएंगे, 1, 1 है तो ये तो यहीं रहेगा। फिर 2 पे जाएंगे तो 2 तुम्हारा ये आ जाएगा, ये राइट, इसको इंटरचेंज कर देंगे हम 1, 2 को 2, 1 से, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 1 को इंटरचेंज कर देंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 8, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे 6 और 8, तो यहाँ पे 8 और 6 आ जाएगा, राइट। तुम्हारा क्या है, 6 है यहाँ पे और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। सिमिलरली फिर हम i इक्वल्स टू 2 पे जाएंगे, सेम करेंगे, 0 इसको स्वैप कर देंगे हम इसके साथ तो वापस हमें ओरिजिनल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख रखा है यार, सॉरी, यहाँ पे 7 और 3 स्वैप हो चुका है, तो अब इसको फिर से स्वैप कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर से ये फिर आगे जाएगा तो फिर से ये स्वैप हो जाएंगे, ओरिजिनल पहुँच जाएगा, ओरिजिनल पर पहुँच जाएगा। तो दो बार एक तरीके से ट्रांसपोज हो जाएगा अगर हम पूरे पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करते रहेंगे। तो हमें पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स नहीं करना होता, हमें सिर्फ कहाँ तक जाना है, जहाँ तक j is less than i तक जाना है। j is less than i तक जाएंगे तो हम इस वाले ट्रायंगल में घूम रहे होंगे। तुम पेन पेपर लो और ट्राई करो, जब 0, 0 है, ठीक है, फिर कितना 1 आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1 पे हम क्या कर रहे होंगे, 0 और 1 पे ट्रैवर्स कर रहे होंगे, i इज इक्वल्स टू 2 पे हम क्या कर रहे होंगे, 0 से 2 तक ट्रैवर्स कर, 0 से 1 तक ट्रैवर्स कर रहे होंगे। ठीक है, लेस देन में, और अगर लेस देन इक्वल टू कर देते हैं तो पूरे में ट्रैवर्स करेंगे, बट इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोड करके दिखा देता हूँ। तो ये है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जाना और ये बस स्वैप कर देना, बहुत ईजी कोड है इसका। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा ईजी कोड है। हम क्या करेंगे बस, ठीक है, इक्वल टू आई दिखाएंगे पहले तुम्हें और बस स्वैप कर देना हमें,
सॉरी यहाँ पे ना हमने आई मिस कर दिया, चलिए अपना कोड ठीक है, इसने अभी लिया 0.09 ठीक है। तो अगर हम इसको आई पे ना ले जाएं तो थोड़ा सा शायद टाइम कम ले गए, क्योंकि हम एक इसकी पूरी कैलकुलेशन बचा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है डायगनल पे तो कुछ चेंज होता ही नहीं है। 9 से ये 0.08 हो गया, तो थोड़ा सा इसने कम टाइम लिया इस वजह से। तुम देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं करा हमने, बस स्वैप कर दिए और यही करना था जाके ठीक है। अगर तुम्हें स्वैप फंक्शन यूज़ नहीं करना तो टेम्परे वेरिएबल लेके तुम स्वैप कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जो मेन हमें क्वेश्चन करना है, रोटेट तुम्हारा एरे बाय 90 डिग्रीज, रोटेट मैट्रिक्स बाय 90 डिग्रीज। तो हमें मैट्रिक्स से गिवन है, हमें रोटेट करके ये करना है। तुम देखोगे हमारा जो लास्ट आउटपुट आया था हमारा ये आया था ठीक है। हमने जब इसको ट्रांसपोज कर दिया तो हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके हमें मिल गया 147258 और 369। हमारा जो रोटेटेड है वो क्या है, 369258147। हमें चाहिए क्या, 369258147। ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है और ट्रांसपोज करके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ट्रांसपोज करके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब तुम थोड़ा सोचो पॉज करके कि क्या करना है, मतलब बहुत सामने सिंपल सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है और बिल्कुल वही करना है। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो तुम्हारी रोज़ हैं ये इंटरचेंज हो गई हैं, बस तुम्हारी जो ऊपर वाली रो है बॉटम वाली चली गई, उससे नीचे वाली चली जाएगी, ऐसे करते करते हम सारी को वो स्वाप कर देंगे। बस हमें क्या करना है, बस रो स्वाप कर देनी है। रो स्वाप क्या करनी है, हमें आई एथ रो को एन माइनस आई माइनस वन में स्वाप कर देना है, बस इस रो को इसके साथ स्वाप कर देना है, इस रो को इसके साथ स्वाप कर देना है। अब इसमें एक चीज़ होगी, जब मिडल वाली रो होगी, मिडल वाली अगर जैसे अगर एन तुम्हारा 5 है यार, तो क्या हो रहा होगा, मिडल तुम्हारा क्या होगा, 2 ठीक है, 2 तुम्हारा मिडल हो रहा होगा। 2 को जब तुम 5 - 2 - 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा, तो तुम मिडल वाले को अपने आप से ही स्वाप कर रहे हो ठीक है, इस वाले को तुम अपने आप से ही स्वाप कर रहे होगे। इतना सा ही कोड है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस जाके पूरी पूरी रोज़ को हमें स्वाप कर देना है। तो चलो जल्दी से कर देते हैं। हम क्या करेंगे, अपना जो ट्रांसपोज वाला कोड लिखा था उसको यूज़ कर लेते हैं पहले। तो ट्रांसपोज का हमने कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या करना है, हमें स्वाप कर देना है, स्वाप रोज। स्वाप रोज हमें कहाँ से करनी है, 0 से आई को हमें कहाँ तक जाना है, एन माइनस 2 तक जाना है, आई प्लस प्लस कर देंगे। हमें बस क्या करना है, पूरे पूरे जो हमारा रो है उसको स्वाप कर देना है। तो हम क्या बोलेंगे, बस स्वाप कर दो फिर से, स्वाप वाला लिखते हैं, इसमें बस हमारा आई जे चेंज हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, आई और ये था और ये हमारे यहाँ पे क्या था, जे तुम्हारा था एन माइनस आई माइनस वन और जे हमारा सेम ही था राइट। जे हमें सेम ही रखना है, सेम कॉलम में ही वैल्यू जानी चाहिए, बस उसकी रो चेंज हो जानी है। कॉलम सेम रहेगा, देखो तुम तुम्हारा कॉलम की वैल्यू है, कॉलम तो हमारा सेम ही है, 6 जहाँ था 6 उसी कॉलम में है, अभी भी 3 जहाँ था सेम कॉलम में है, बस जो आई की वैल्यू मतलब जो आई की वैल्यू थी जो रो थी रो चेंज हो गई है। तुमने वही क्या यहाँ पर रो चेंज कर दी। अब इसको जल्दी से कंपाइल करके देखते हैं, तो जो चाहिए था वो मिल गया, सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो गया मस्त अपना, बहुत कम टाइम लिया इसने। और तुम यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे अगर इसको इक्वल टू कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने फिर से नहीं करके दिखाया, क्योंकि जो बीच वाली रो होगी वो जनरली अपने आप से ही स्वैप कर रही होगी ठीक है। तो चला अभी बस एन बाई टू से हम कर रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ आ गया होगा। 2 कॉन्सेप्ट हैं, रोटेट करना और वो। अगर कुछ ना समझ आए तो एक बार क्या करना है तुम्हें, एक तुम्हारा मैट्रिक्स लेना है, मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करके देखो और फिर रोटेट करके देखो, खेलो थोड़ा मैट्रिक्स वेट्रिक्स के साथ कैसे क्या होता है, एंड हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ ऐसे महाभारत ने बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप तुम्हें वीडियो पसंद आ गई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।